नहीं जा सकती मैडम, हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मैडम मुझे रैप्टा मार सकती है लेकिन अपनी नौकरी को इस तरह लात मार के नहीं जा सकती। गुलगुले मैं मम्मी जी के बगैर नहीं रह सकता, मैं ये चौकी छोड़ के पटियाले चला जाऊंगा, मेरा दिल करता मैं कहीं से छलांग लगा दूं। संभाल अपने आप को गोपी, संभाल अपने आप को, संभाल गोपी, तुझे अपने आप को संभालना होगा। तुझे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि कानून की सेवा का जो पुलाव मैडम ने पकाया था वो पुलाव जल चुका है। जिस दूध से मैडम खीर बनाने वाली थी वो दूध उबल चुका है। फर्ज का जो भुट्टा मैडम ने संभाल के रखा था वो भुट्टा भुन चुका है, उस पे नींबू निचोड़ चुका है, उसके ऊपर नमक भी लग चुका है। गोपी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रो क्यों रहे हो तुम लोग? रो नहीं तो क्या करें जी, भंगड़े डाले, हमारी मम्मी जी ने नौकरी छोड़ दी है जी। हाँ हाँ क्या सर, अब पता नहीं मैडम की जगह लेने कौन आएगा, कौन मैडम की तरह त्याग और बलिदान कर पाएगा। अरे फर्ज की मूरत थी वो। वैसे सर मम्मी जी की जगह कौन आ रहा है जी? बाहर से तो कोई नहीं आएगा, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से किसी को प्रमोट करके इंस्पेक्टर बना दो। सर अगर ऐसा है तो मैं हूं ना सर, सर इस चौकी के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ सर, मेरे ख्याल से आपको मुझे ही प्रमोट करना चाहिए सर, आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अरे यार गुलगुले तुझे क्यों, मैं मर गया हूँ क्या? सर आप मुझे प्रमोट कीजिए, मुझे एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। एक्सपीरियंस से क्या होता है, क्या होता है एक्सपीरियंस से? और अगर एक्सपीरियंस की बात है सर तो मैडम के साथ रहने का एक्सपीरियंस मुझे है। आई थिंक आई एम द करेक्ट पर्सन सर, आपको मुझे ही प्रमोट करना चाहिए सर। पर एक बात बताओ, क्या तुम भी चंद्रमुखी जी की तरह कानून और फर्ज के लिए त्याग कर सकते हो? अरे सर मैंने तो वो भावनाओं में बहकर ये सब कह दिया, वैसे मैडम भी कोई ऐसा त्याग और बलिदान करती नहीं थी, और कोई फर्ज की मूरत वूरत नहीं है वो, नथिंग। मैं अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूं जी, मेरा 30 साल का तजर्बा है जी, वैसे मैं मम्मी जी से ना 2 कदम आ गई हूँ। मैं ठीक है, तुम दोनों में से कौन इंस्पेक्टर बनेगा इसका फैसला मैं तो नहीं करूंगा बल्कि कोई और करेगा। जरा पीछे मुड़ के देखो सर, कोई और भी आया है। मैडम आप घनी जल्दी है, हैं उतावले हो रहे हो हमारी जगह लेने के लिए? नहीं नहीं वो तो मैडम बस आप चली गई थी तो वो सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे इसलिए कुछ बोल दिया बस यूं ही। हाँ जी बस ऐसी जज्बात में जरा बहक गए थे जी हम। वैसे मैडम आपने तो नौकरी छोड़ दी थी ना? अबे इतने टाइम इतने साल हमारे संग काम कराए फिर भी चार आने की अकल ना है कि भैया यो हमारा ड्रामा था समझ नहीं पायो, वो चॉकलेट टॉफी को सबक सिखाने के लिए। ठीक है चंद्रमुखी जी, आप अपने काम को अपने अंदाज से अंजाम दीजिए, मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे इतला कर दीजिएगा। ओके सर। जय हिंद जय। सर मैं पूछना भूल गया, अब आपके घुटनों का दर्द कैसा है? बुड्ढा अब खड़े के हो धंधे पे लगो, बुलाओ उन छोरियों ने के नाम है पहेली और सहेली। एक्सक्यूज मी, मुझे मत छेड़ो है? अरे यार गुलगुले अगर ये कह रही है मत छेड़ो तो मत छेड़ो ना यार। अरे क्या कह रहे, मैंने कब छेड़ा, मैंने नहीं, क्या है? नहीं 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 नहीं, सहेली ये पूछना चाहती है कि मैडम कहाँ है, मुझे शर्म आती है। क्या है ना मम्मी जी मीटिंग में है, बस आती होंगी। बाकी सोने ए दसो की खाओगे, बर्फी मंगाऊं, समोसे मंगाऊं, कुछ जलेबी वगैरह, कुछ पनीर के पकौड़े वगैरह कुछ? मैं तो जी मेहमान नवाजी कर रहा था जी। कुछ 4 दिन का मेहमान है बुढ़ाऊ, और वैसे जो है मेहमान नवाजी में बिल्कुल प्रिसाइज हो रहा है। कैरी ऑन सहेली,
पहेली को दिलाना है इंसाफ। मैडम प्लीज गोपी को कर दीजिए ना माफ। ओके बाय। देखो ऐसा है कि प्लान का पहला स्टेप ऑलरेडी हो चुका है और काफी सक्सेसफुल रहा है। एवरीबॉडी कांग्रेचुलेशन। ओह या। और दूसरे स्टेप के लिए तैयार हो जाओ। मैडम आप उन दोनों को ऐसा मजा चखाना कि अगली बार वो किसी लड़की को छेड़ने से पहले 10 बार सोचे मुझे मत छेड़ो। वैसे मैडम हमारा अगला प्लान क्या है, मुझे शर्म आती है। ओहो महाराज फिर शर्मा लो, यहाँ कौन सा टैक्स लगता है? बहुत शौक चढ़ रहा है शर्माने का। शर्मा नहीं मैं तो आई मीन बस जस्ट जोकिंग। शर्मा कम ऑन, गोपी मैडम कह रही है शर्मा तो शर्मा ना यार, उसमें क्या टैक्स नहीं लगता है ना। इतना ही शर्माया जाता और नहीं शर्माया जाता जी। साले इतनी बेशर्मी जो है कूट कूट कर ठुसी हुई है कि बिल्कुल एक्टिंग तक ना निकल रही शर्माने की। कैरी ऑन। देखो ऐसा है कि भैया उन दोनों से हमारी बात हो गई टॉफी और चॉकलेट से और मैंने उन्हें काफी जो है इंस्टिगेट कर दिया है। वो एक मैच करने वाले हैं बाइक रेस का और बाइक रेस में जो जीतेगा मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम दो लोग रेस में भाग लेंगे तो एक तो रेस जीतेगा ही ना, उसके बाद आपको उस जीतने वाले की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। Yes! यो तो मैंने सोचा ही नहीं। देखा अबे साले सुन लिया कर, कान खोल के पूरा, मुंह खोल देता है पहले ही बीच में अपना। Yes! ऐसा है कि भैया दिन में होगा उनका ये बाइक रेस और तुम दोनों वहां मौजूद रहोगी उनका हौसला बढ़ाने के लिए, चीयर्स गर्ल बनोगी तुम दोनों। और इसमें जो है सबसे अहम भूमिका मेन कास्टिंग जो है वो तुम दोनों की है। क्या है दोनों? आगे 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 रुक 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 लगाओ स्टैंड पे लगाओ। अरे लेकिन अरे जाने दो हमारी रेस लगी हुई है मोहम्मद। अरे चल अरे हट। अरे ए अंकल अरे तेरा रेस लगी है तुम्हारी। अरे अरे आप लोग लगता हमें पहचान नहीं रहे हैं, हम वही है एमएलए साहब के भांजे चॉकलेट टॉफी इश्क दीवाना है। याद करो हम वही हैं जिनकी वजह से तुम्हारी मैडम को नौकरी छोड़नी पड़ी थी मोमबत्ती बुझा के। अरे हाँ। और अब तुम्हारी मैडम मेरी डार्लिंग बनने वाली है। अबे चुप। तेरी डार्लिंग नहीं, तेरी नहीं वो मेरी डार्लिंग बनने वाली है, इश्क है दीवाना। हाँ देख लेंगे पर हमें रोका क्यों है? हाँ हाँ अबे वो भी बता देंगे, इतनी जल्दी क्या है, जरा उधर नजर घुमा के देख। डार्लिंग तुम यहाँ पर तुम डार्लिंग यहाँ वर्दी में और वहाँ तुम इश्क दीवाना है। ओवर स्पीडिंग के जुर्म में सालों को ठाणे लेके चलो और जरा बुलाओ इनके कंस मामा ने। अरे लेकिन इश्क दीवाना। मैडम देखिए आप मामा जी आ जाएंगे। अरे देखिए मैडम। अरे 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 ये आप क्या कर रहे हैं झड़झड़ाते? कमिश्नर साहब इस लड़की ने तो नौकरी छोड़ दी थी, फिर कर क्या रही है झड़झड़ाते? ओए होए 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 नौकरी छोड़ी जरूर थी लेकिन इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था।
नहीं हुआ था? नहीं। अरे लेकिन ये मेरे भांजों की भजिया क्यों तल रही है धड़ के? अरे मामा हमको बचाओ, नहीं तो ये हमको मार मार के इतना टुकड़ा कर देगी कि इसको उन्हें भी जोड़ नहीं पाएगा। मोमबत्ती बुझा के। अरे मेरे लाल तू चिंता मत कर, मामा आ गया तेरा धड़धड़ा के। अरे मामा इसने हमको बहुत जम जम के पीटा है, टिका टिका के पीटा है, लथेड़ लथेड़ के पीटा है, इसका ही दीवाना। अरे मामा बस। अरे कमिश्नर साहब आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? इसी समय इस लड़की को सस्पेंड कर दीजिए धड़धड़ा के। सॉरी नीरज जी, जरूर आपके भांजों ने कोई गलत हरकत की होगी तभी वो पीट रही है धड़धड़ा के। अरे हाँ सर, या मतलब सर ओवर स्पीडिंग के लिए पकड़े गए हैं सर ये। और ओवर स्पीडिंग भी कैसी सर, बाइक पे स्पीड करते हुए एक आदमी को उड़ा दिया इन्होंने। हाँ जी जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। क्या क्या है इन्फॉर्मेशन? अबे चुप कर ये। सर ऐसा है, हेडक्वार्टर से हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि दो लौंडे बाइक को उड़ाते हुए लेके गए हैं, एकदम स्पीडिंग करते हुए, और इस चक्कर में एक आदमी उड़ा दिया इन्होंने। अरे मामा जी झूठ बोल रही है, हमने कौन को भी नहीं उड़ाया मोमबत्ती बुझा के। सर ऐसा है, उसके रिश्तेदार ने यहाँ FIR लिखाई है, वो मौका है वारदात पे मौजूद था। और कंस मामा ना तुम्हें घनी पड़ी रहती थी ना कि केस क्या है और केस क्या बनता है वगैरह, तो केस बनता है एक तो ओवर स्पीडिंग का, नेग्लिजेंस ड्राइविंग का तुम्हारे ये दो भांजों पे, और एक इन्होंने आदमी उड़ाया है एक्सीडेंट मारा है, वो केस बनता है दो दो। अरे लेकिन एक्सक्यूज मी नेताजी वन फोटो प्लीज। हाँ ले रहे, आँख खोल ले एक बार। अगर भाई नेताजी की पोजीशन का फायदा उठाते हुए उनके दो बिगड़े हुए भांजों ने ओवर स्पीडिंग की और अपनी बाइक से एक गरीब आदमी को उड़ा दिया। हाँ जी जी नेताजी, सोच लो इलेक्शन आने वाले हैं, अगर खबर बाहर आ गई तो टिकट नहीं मिलेगा। अरे अरे ये क्या कह रहा है धड़धड़ाके? वो सही कह रहे हैं धड़धड़ाके। भैया और पाल लो ऐसे नलायक भांजे, पॉलिटिकल करियर तो गया। नेताजी आपका कोई हलवाई वगैरह की दुकान खोल लीजिए, यही खोल लीजिए तो हमारा भी फायदा हो जाएगा। अरे अरे मैडम भाड़ में जाए दोनों, मेरे कोई भांजे आंजे नहीं है कुर्सी पहले, माफ कर लू मैडम। अरे मामू। अरे चुप, कहे का मामा, मेरी कोई बहन ही नहीं है तो मामा कहां से आ गया धड़धड़ा के? अरे मैडम उस रिपोर्टर को रोकिए कि ये न्यूज और फोटो ना छपवाए धड़धड़ा के। भैया ऐसा है नेताजी, वो तो मैं कर दूं, लेकिन आपको भी तो जनता की सेवा के लिए कुछ करना होगा। आप अगर यो वादा करें कि आपके शहर में इलाके में सारी औरतें महिलाएं सुरक्षित हैं, ना उनके संग कोई इप्टी जेंग और कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो अभी रोके लेते हैं दीप पाटर ने। यस बिल्कुल मैडम, मैं तो कह रहा हूँ मैं आज शाम से ही पूरे शहर का चक्कर लगाता हूँ और घूम घूम के देखूंगा, और कोई लड़का किसी शरीफ लड़की को छेड़ते मिल गया तो सबसे पहले खुद पकड़ूंगा और आपके पास दौड़ के लेके आऊंगा धड़धड़ा के। वेरी गुड नेताजी, बस इब निश्चिंत रहिए, कुछ ना छपेगा कल आपका। और हाँ एक बात और, आगे से किसी ईमानदार अफसर की वर्दी उतारने की धमकी देने से पहले ना यो सोच लीजिएगा कि अगर वो ईमानदार अफसर अपनी पे आ जाए तो आपकी गद्दी से आपको घड़ी जल्दी उतार सके, समझे? मैडम हमको भी माफ कर दीजिए, अब हम किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे मोमबत्ती बुझा के। सतुर करना आती है मैडम। देखिए मैडम, हमको पता है कि हम लोगों ने किसी को उड़ाया नहीं है, और हम यो जानते हैं मैडम कि अगर आप चाहें तो हमको छोड़ सकती है मैडम, इश्क दीवाना नहीं है। देखिए मैडम, आज से जो है हम दोनों हर लड़की को अपनी बहन मानेंगे मैडम, इश्क दीवाना नहीं है। ओहो ये हुई ना बात, तो फिर ये काम अभी कर लेते हैं।
तुम एक काम करो, तुम लोग वो जो सहेली और पहेली है ना, उन्हें बहन बना लो। सहेली पहेली भाई आ जाओ। हाँ भाई, सहेली पहेली आ से, ये दोनों मुंडे तुम्हारे प्राण हैं। अरे ऐसे कैसे, अरे जो की थाल ला। नहीं, खत्म हुआ ये बवाल, मैं लेके आई हूँ राखी का थाल। बांधो अपने भाइयों को राखी बांधो। चलो इसको बांधो, इसको बहुत जल्दी है बहन बनाने की। क्लैपिंग एवरीबॉडी। अब बोलो कि बहनों, हम हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। बहनों बहनों, हम हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। बहनों गुड। अब बहनों के जो है आशीर्वाद लो, पैर छुओ। वेरी नाइस। ओह खर्ची तो दो यार। खर्ची? अरे मामा मामा पैसा दो, पैसा दो। अरे अरे काहे के पैसे? अरे नेता हो, भांजो को पैसे दो। अरे भैया मैंने अपनी बहन को राखी पे नहीं दिए पैसे। अरे तुम्हारी बहन। अरे यार सब नेताजी। अरे खरीद लो भैया, बांट लो। वेरी गुड, निकलो चलो। थैंक यू सो मच मैडम, जब तक आप है ना, हम लड़कियों को कोई नहीं छेड़ सकता। मुझे मत छेड़ो। इसलिए तो सब जपते हैं एक ही नाम की माला, और वो नाम है चंद्रमुखी चौटाला।